सो हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स फ्रॉम वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से आप एजेंट्स को किस तरह से रिक्रूट कर सकते हो। सी, ये जो टेक्निक है ना, वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करना, ये टेक्निक आज भी इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस टेक्निक को यूएसए में, यूरोप में या फिर कनाडा में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अपने टीम में काफ़ी प्रोडक्टिव एजेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की मदद से हम अपनी टीम में किस तरह से एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं उसके बारे में। तो वीडियो मार्केटिंग के बारे में और जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, वो काम किस तरह से करती है। वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते वक्त हम ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस को पोस्ट करते हैं जिनकी मदद से हम इस सारे प्लेटफॉर्म्स से अच्छा खासा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट तक लेके आए। जी हां, हम वीडियोस के माध्यम से सोशल मीडिया से ट्रैफिक पुल करने के बारे में बात कर रहे हैं और इस ट्रैफिक को पुल करके हम हमारी वेबसाइट तक लेके जाएंगे जहां पर हम काफी प्रोडक्टिव लीड्स को कैप्चर करेंगे। तो इसे कहते हैं वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजीज को काफी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि वीडियोस किस तरह से बनाते हैं और उसके साथ साथ आपकी अपनी खुद की एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड स्पेशल वेबसाइट होनी चाहिए। एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप सोशल मीडिया से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर सको और इस ट्रैफिक को आप आपकी वेबसाइट तक लेके जा सको और आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्टिव लीड्स को आप कैप्चर कर पाओ। तो ये तो हम बात कर रहे थे हमारे वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के प्लान के बारे में, लेकिन आइए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां पर हम वीडियो पोस्ट कर पाए और इन वीडियो को पोस्ट करने के बाद वहां पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए और इन्फ्लुएंस करने से इन लोगों को हमारी वेबसाइट तक लेके आ सके। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट प्लेटफॉर्म के बारे में, जो है यूट्यूब। जी हाँ, आजकल कई सारे लोग यूट्यूब पे अपना एक चैनल शुरू करते हैं और इस चैनल को शुरू करने के लिए ना आपको सिर्फ अपना एक जीमेल का आईडी होना जरूरी होता है। और जैसे ही आप अपना यूट्यूब का चैनल शुरू कर लेते हो, आप उस चैनल पे काफी अच्छे और प्रोडक्टिव वीडियोस को अपलोड कर सकते हो और इन वीडियोस में ऐसा पावरफुल कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो जिसको देखने के बाद आप एक साथ कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे और इन सारे लोगों को अपने ऑफिस पर या फिर अपने वेबसाइट पे डाइवर्ट कर पाओगे। जी हां, YouTube एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिससे आप ना सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप फिजिकल लीड्स भी अपने ऑफिस पे जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया है या अपना एक YouTube चैनल शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आज ही आप अपना एक YouTube चैनल ओपन कीजिए और उस पे जितना भी अच्छा कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो वीडियोस बना के, उतना ज्यादा इन वीडियो कंटेंट्स को बनाइए और YouTube चैनल पे अपलोड कीजिए। बिलीव मी, उसका आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपको फटाफट काफी प्रोडक्टिव लीड्स मिलती जाएंगी। कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर, इन वीडियोस को कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए या YouTube के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट कौन सा होता है जिससे वीडियोस काफी अच्छी तरह से अपलोड हो जाए। देखिए, YouTube पे आप HD फॉर्मेट में भी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, जो होता है 1920x1080 पिक्सल। ये एक रेगुलर HD फॉर्मेट है जिसे आप प्रोबेबली आपके स्मार्टफोन से भी शूट कर सकते हो। जी हाँ, आजकल ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन जो है वो HD रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, और वो है
जी हाँ, फेसबुक। देखिए, फेसबुक पे जब भी मैंने लोगों को देखा हुआ है ना वीडियोस को अपलोड करते हुए, ज्यादातर मैंने ये देखा हुआ है कि ये जो वीडियोस अपलोड करते हैं ना, वो वही वीडियोस होते हैं जो यूट्यूब पे उन्होंने अपलोड किए होते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं ये आपको करना कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर लोग काफी लंबा समय बिताते हैं, काफी लंबे अगर वीडियो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 मिनट का वीडियो भी उस पर अपलोड किया है, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ज्यादा लंबे समय तक व्यूवरशिप मिलती है। लेकिन फेसबुक यूजर्स का यूजुअली इस तरह से ट्रेंड नहीं होता। फेसबुक यूजर्स को ज्यादातर जो कंटेंट होता है वो काफी फटाफट देखना होता है। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग फेसबुक को मोबाइल पे यूज करते हैं, इसलिए उनको स्वाइपिंग की आदत पड़ चुकी होती है, राइट? और इसीलिए अगर आप काफी लंबा वीडियो, मेरा मतलब है 10 मिनट या 15 मिनट का अगर आप वीडियो फेसबुक पे अपलोड करते हो, तो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आपको फेसबुक पे ऐसे ही वीडियोज अपलोड करने चाहिए जो शॉर्टर ड्यूरेशन के हो। जी हाँ, मेरा मतलब है 1 मिनट या 2 मिनट के वीडियोस फेसबुक पे बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। सो जैसे ही आप फेसबुक के लिए अलग से वीडियो शूट करके उसको फेसबुक पे अपलोड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक भी ये नहीं चाहता कि अगर आप यूट्यूब के वीडियो की लिंक अगर फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो और कोई भी अगर उस वीडियो पे क्लिक करता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो जो यूजर है फेसबुक से यूट्यूब पे चला जाता है, राइट? और यही बात फेसबुक नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसके यूजर्स फेसबुक पे बने रहे। तो इसलिए आप फेसबुक पे जब अलग से वीडियो को अपलोड करते हो, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और यही साइकोलॉजी को, यही ट्रेंड को फेसबुक ने इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई किया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे तीसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, और वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए भी आपको अलग से वीडियोस को शूट करना पड़ेगा और उन वीडियोस को इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर भी आप यूट्यूब की लिंक्स या फिर फेसबुक के ही वीडियोस को आप अपलोड नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आप फेसबुक के वीडियोस को इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर कर पाओगे और इंस्टाग्राम के वीडियोस को फेसबुक पे भी शेयर कर पाओगे, लेकिन मैं आपको ये हमेशा पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टाग्राम के लिए भी अलग से वीडियोस को शूट कीजिए और उन वीडियोस को वहां पर अपलोड कीजिए, क्योंकि फेसबुक का, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का जो टाइमलाइन होता है या फिर जितने मिनट्स या सेकंड्स का वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, वो जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो काफी अलग होता है। इसलिए अगर आपको इंस्टाग्राम से बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप अलग से वीडियोस को शूट कीजिए और इंस्टाग्राम पे अलग से अपलोड कीजिए। बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा लोग इंस्टाग्राम का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मदद से इतने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपने टीम में काफी अच्छे एजेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से आपको वीडियोस को अपलोड करना है और किस तरह से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। और किसी भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि उस वीडियो का कंटेंट कितना पावरफुल है। जी हाँ, अगर आप काफी पावरफुल कंटेंट से अपने वीडियोस को बनाते हो और उनको अपलोड करते हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वीडियोस को देखेंगे और इन वीडियोस की मदद से ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओगे अपनी टीम में। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आखिरी प्लेटफॉर्म के बारे में, और वो है वेबसाइट। जी हाँ, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आपके पास एक रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशल वेबसाइट होनी चाहिए और इस वेबसाइट पे आप काफी प्रोडक्टिव और अच्छे वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हो। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना मुझे ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि YouTube या Facebook पे किस टाइप के वीडियोस को अपलोड किया जाता है और अपनी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे हमें किस टाइप के वीडियोस अपलोड करने चाहिए। और अगर आपको भी ये सवाल है, तो लेट मी टेल यू कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादातर आपको इस टाइप के वीडियोस अपलोड करने चाहिए जिसमें आप बात करते हो कि आप खुद कितने ज्यादा पैशनेट हो लोगों को हेल्प करने के लिए और लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। उसके साथ साथ आपको ऐसे भी वीडियोस अपलोड करने चाहिए आपके वेबसाइट में जिसमें आप बता रहे हो कि आपकी टीम उन लोगों को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसे भी वीडियोस अपलोड कर सकते हो जिसमें आप ये काफी अच्छी तरह से बता रहे हो कि अगर ये लोग आपकी टीम ज्वाइन करते हैं तो उनको कितना ज्यादा और कितना फटाफट ग्रोथ मिलेगा फाइनेंशियली और
पर्सनली, जी हाँ, पर्सनल लाइफ में भी उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है अगर वो फाइनेंशियली और पोजीशन वाइज भी ग्रो करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और इन वीडियोस के माध्यम से आप कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और इन्फ्लुएंस करने के बाद इन लोगों को आपके ऑफिस पे बुला के उनको कन्विंस करके आपकी टीम में रिक्रूट भी कर सकते हो। तो इस टाइप के वीडियोज यूजुअली आपको आपके वेबसाइट पे रखने चाहिए, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ज्यादातर रखने चाहिए, प्रमोशनल वीडियोज ज्यादातर रखने चाहिए, ऐसे वीडियोज जिनको देखने के बाद लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, इंप्रेस हो जाए और आपको मिलने के लिए आपके ऑफिस पे आए या फिर कम से कम आपकी वेबसाइट को विजिट करें। तो ये थी वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिनका इस्तेमाल करके आप भी आपकी टीम में काफी प्रोडक्टिव एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को दो वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनमें मैंने पर्सनली ऐसी कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को काफी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। और इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को सीख के आप अपने लोकल एरिया में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। इन वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल का नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल का अगर आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक भी बनाया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। तो आज ही लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे और अपने आप को जरूर रजिस्टर कीजिएगा इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोएक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।